फिजिक्स को जाने बगैर मेटाफिजिक्स नहीं पकड़ी जाएगी। इस दौर में फिजिक्स ही मेटाफिजिक्स में ढलती जा रही है और इस क्वांटम थ्योरी में ही सारा राज पोशीदा है। क्वांटम फिजिक्स? ओ भाई जान, क्वांटम थ्योरी को जाने बगैर और फोटान की कैफियत समझे बिना हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का ये असरार कैसे समझ में आ जाएगा कि मुवहिद जब मकाम तौहीद पर पहुंचता है तो न मुवहिद रहता है न तौहीद, न वाहिद न बिसियाद, न आबिद न माबूद, न हस्ती न नेस्ती, न सिफत न मौसूफ, न जाहिर न बातिन, न मंजिल न मकाम, न कुफर न इस्लाम, न काफिर न मुसलमान। ओ भाई जान, एट सब एटॉमिक लेवल मैटर डज नॉट एग्जिस्ट विद सर्टेनिटी बट रादर शोज टेंडेंसीज टू एग्जिस्ट। दिस इज व्हाई पार्टिकल्स कैन बी वेव्स एट द सेम टाइम। न आबिद न माबूद, न सिफत न मौसूफ, न वाहिद न बिसियार, न जाहिर न बातिन। खुल गई बात, खुल गई भाई जान, वाजे हो गया कि हम किसी भी एटमी इवेंट को यकीन के साथ नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो फिर आगे उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। सर, मैं तो सिर्फ बातिन के सफर में इंटरेस्टेड हूं। बातिन का सफर साईं बनना है तो फिर तजर्बे से गुजरना पड़ेगा, साइंसदान की तरह यक तरफा होना पड़ेगा, उसके रवैये की पैरवी करना पड़ेगी भाई जान, मठ में उतरना पड़ेगा और मठ में उतरे तो मुराकबा करना पड़ेगा और मुराकबा लेबोरेटरी में होता है, जबानी कलामी इल्म में नहीं, छपी छपाई मालूमात में नहीं। साईं बनने का इरादा है? जी सर। सूफी? जी सर। रास्ता बदल गया है, अब उधर से आना पड़ेगा साइंस के समंदर में से। बेहतर सर। साइंस के टीचर ना बन जाना, साइंस के साधु बनना, साईं मैक्स प्लांट की तरह, साईं नील्स बोहर की तरह, बाबा रुथरफोर्ड और साईं आइंस्टाइन की तरह। तुम पर जमाने का बातिन रोशन होने लगेगा, टाइम स्पेस दोनों गिरफ्त में आ जाएंगे।